जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, खान साहब सामने आए स्क्रीन पर, तो कैसी क्या झलक थी खान साहब का? पहला एक्सप्रेशन क्या था, इंप्रेशंस क्या थे? मुर्शिद का दीदार तो हो गया, मुर्शिद का दीदार तो पूरी कौम ने देख लिया भाई। आज वो जब टीवी पे आए, मैंने यकीन माने ये जो आजाद है ना उनको कैद देखा, जो आजाद है जो कैद है उसको आजाद देखा। शौकत बसरा साहब, ये खबर गर्दिश कर रही है कि खबर, ये जो तस्वीर है खान साहब की, आपने ली की है ये खबर? इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मैं पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ एक एडवोकेट भी हूँ, अगर मैं करता तो मैं इसको तस्लीम भी करता। कोई ऐसी बात ना होती कि अगर मैंने की है तो मैं तस्लीम ना करता। मेरे ख्याल में जो भी कर रहा है ये प्रोपोगंडा कर रहा है। और वैसे सब डरते हैं खान की एक तस्वीर दिखाने को। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से मैं सवाल करता हूँ सुप्रीम में खड़े होकर, आप तो लाइव प्रोसीडिंग दिखाते थे अपने केसेस की। आज हमारे वकील ने खड़े होकर कहा काजी साहब को, काजी साहब आपकी लाइव प्रोसीडिंग नहीं हो रही, लोग कौम नहीं देख रही। इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है अपने केस में पेश हुआ है, लेकिन काजी साहब ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। आज मुझे बताइए, मीडिया वाले से पूछता हूँ, आज किसकी मुदाखलत पर यह रोका गया है? किसकी इंटरफेरेंस पर खान साहब को लाइव नहीं दिखाया गया? सो आज ये बदकिस्मती है, इंसाफ के दोहरे मियार हैं कि जब आपने खान साहब को वीडियो लिंक पे पेश करवाया, पूरी कौम सिर्फ एक झलक देखना चाहती है। वैसे आप कहते हैं कि खान साहब पार्टी बड़ी कमज़ोर है, छोटी पार्टी है, अवाम में मकबूल नहीं है, तो भाई एक फोटो दिखाने से डरते हैं? अच्छा शौकत करें, शौकत बसरा साहब, अभी आप खान साहब को देख कर आ रहे हैं अंदर सुप्रीम कोर्ट कमरे अदालत कोर्ट नंबर 1 में, कैसा पाया खान साहब को आपने? खान साहब अल्लाह तक, किसी माँ ने उसको पैदा किया है, शेर माँ का शेर बच्चा है। अल्लाह ताला खान साहब को जिंदगी दे, सेहत दे। मैं उनको जेल में भी मिला हूँ, आज भी देखा है, उनका अज़म, उनका हौसला, उनकी दिलेरी, उनकी जुर्रत, जो खान साहब को मैंने पहले देखा था, चले जेल से पहले मिला था, एक लम्हे की उनमें भी लगजश नहीं है। बल्कि मेरी फाइंडिंग ये है कि अल्लाह ने उनको और हौसला दिया है, क्योंकि उनको पता है कि मैं बड़े कॉज के लिए जंग लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए जंग लड़ रहा हूँ, तो मैंने तो उनमें बहुत हिम्मत पाई। दूसरी तरफ खान साहब की तस्वीर लीक हो जाती है सर, यही मैं कहता हूँ अल्लाह हक है ना, अल्लाह हक है। आप कितना लोगों को खान साहब की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, खान साहब को पेश नहीं होने देंगे? भाई ये कौन सा कानून है, ये कौन सी अदालतें हैं कि आप जेलों के अंदर ट्रायल करते हैं, वहाँ पे दीवारें खड़ी करते हैं, वहाँ शीशे लगाते हैं, वहाँ कहते हैं आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, ये ओपन ट्रायल है? मैं फिर कह रहा हूँ मैं कानून दान हूँ। अच्छा इसलिए आज देख लें कि वो सारे बोगस केस हैं, इंशाल्लाह विद इन अ मंथ, ये मैं खबर दे रहा हूँ आप लोगों को बतौर एक वकील होने के, कि खान साहब जेल से बाहर होंगे। तो शौकत बसरा साहब, आप कह रहे हैं कि आपने पिक्चर नहीं लीक की, कौन हो सकता है पिक्चर लीक करने के पीछे? मैं फिर आपको कह रहा हूँ ना, और मकासद क्या हो? सुन तो लें, अल्लाह हक है, अल्लाह बहुत बड़ा है। आप जुल्म जबर, आप जेल की दीवारों के पीछे चुनना चाहते हैं, आप खान साहब को मारना चाहते हैं, खान साहब को कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह जो है, मैं फिर कहता हूँ, जिंदगी मौत की खुद हिफाजत करती है। आज आप देखें ना कितना बंदोबस्त किया गया, भाई लाइव दिखाना था ना, आपने क्यों नहीं दिखाया? फिर कोई ना कोई तो इसका बनाना सबब कि पूरी दुनिया ने उनकी फोटो देख ली, आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे, लोकल मीडिया पे सिर्फ खान साहब की पिक्चर चल रही है। लेकिन शौकत बसरा साहब, मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि 3 लेयर्स थी सिक्योरिटी की, वॉक थ्रू गेट्स यहाँ पर नस्ब हैं, तो उसके बावजूद मोबाइल का कमरा अदालत के अंदर जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, कौन मुलविस हो सकता है इसके? फिर कह रहा हूँ अल्लाह हक है, अल्लाह बहुत बड़ा है। एक चाल आप चलते हैं, लेकिन होता वह मेरा रब चाहता है। आज देखे ना, आपने कहा 3 लेयर्स हैं, इतनी सिक्योरिटी थी, आखिर कुछ तो हुआ ना, करें ना चेक, जाके कैमरे इतने लगे हुए हैं, चेक करें किसने पिक्चर ली है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आता तो आप इस पे फख्र करेंगे? मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं करता तो मैं तस्लीम करता। मैं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पूरा खान साहब के साथ है। आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, आप हाई कोर्ट में चले जाएं, दुनिया पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, दुनिया में चले जाएं, लोग कहते ने जान अल्लाह दी वोट खान दा। थैंक यू साहब, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब 1 महीने में बाहर होंगे, पीटीआई के कुछ रहनुमा कह रहे हैं 2 दिन में बाहर होंगे। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया ने प्रेशर फेस करना शुरू कर दिया है, अदलिया स्टैंड कर चुकी है, और मैं समझता हूँ कि जब अदलिया ने स्टैंड ले लिया है
तो ये तो अच्छा, अभी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। जो पिक्चर लीक हुई है उसमें अगर आपको बुलाया जाता है तो हाजिर होंगे आप वहाँ पर? कांपती है टांगे एक फोटो दिखाने से कोई सॉलिड एविडेंस लेकर आए मुझे, जहाँ कहेंगे पेश होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ ना, अभी मैं यहाँ भी खड़ा हूँ, आ जाए जिस चीज में इंक्वायरी करनी है मेरे से। तो मोबाइल तो अलाउ नहीं थे फिर कैसे? मैं फिर कहता हूँ कि करें ना इंक्वायरी। यार मैं आपको पहले कह चुका हूँ अल्लाह खान के साथ है, क्योंकि दुनिया जो होती है ना वो इतनी दुआएं मांग रही है। खाना कबाब में पिक्चर कौन ले जाता? खान साहब किसको कहते हैं वहाँ दुआएं कराए जाके? जो पिक्चर देखी है उसमें उनकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत तगड़ी थी, लेकिन आपने उनको वीडियो लिंक से देखा है, क्या महसूस कर रहे थे खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? मैं दो हफ्ते उनको जेल में पहले मिला हूँ फेस टू फेस, आज मैंने यहाँ भी देखा है, मैंने पहले कहा है उनका जज्बा, उनकी दिलेरी। आज चाहिए था चीफ साहब को, पाकिस्तान के सबक वजीर आजम है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, करते सवाल। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप कस्टोडियन है पाकिस्तान में लॉ के, इंसाफ देने के, आपकी नाक के नीचे यहाँ पर धांधला हुआ है, यहाँ पे सियासी कारकुनों को उस पर जुल्म हो रहा है, माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद किया गया। वो तो बात करना चाहते हैं। अच्छा, करते बात उनके साथ। शौकत बसरा साहब, अभी आप खान साहब को देख कर आ रहे हैं, पूरी कौम इस वक्त खान साहब का दीदार करना चाहती है। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, खान साहब सामने आए स्क्रीन पर, तो कैसी क्या झलक थी खान साहब का? पहला एक्सप्रेशन क्या था, इंप्रेशन क्या थे? मुर्शिद का दीदार तो हो गया मुर्शिद का दीदार तो पूरी कौम ने देख लिया भाई। आज वो जब टीवी पे आए, मैंने यकीन माने, ये जो आजाद है ना उनको कैद देखा, जो आजाद है जो कैद है उसको आजाद देखा। तो भैया ना, तो आपके थ्रू पूरी दुनिया ने भी दीदार कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान को ये जितनी मर्जी तहों में छुपा लें, जिन जेलों में ले जाएं, इमरान खान पाकिस्तान है, और कोई माई का लाल इमरान खान को ना बाहर होने से रोक सकता है, ना वजीर आजम बनने से रोक सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत इमरान खान है। आप ये देख लीजिए क्या क्या आपने हरबा इस्तेमाल नहीं किया, स्टेट एक तरफ, स्टैब्लिशमेंट एक तरफ, साड़ी गल हो गई है। मीनारे पाकिस्तान से पहुंचा, तोता उड़ाया, कबूतर उड़ाया, और फोटो जाके एटे थैले लग गया। ये है उसकी हैसियत, खुद हार गया, जमानतें जब्त हो गई। इसलिए अल्लाह, जिसके साथ मैं बार बार कहता हूँ, चूंकि अल्लाह का एक कानून है, जुल्म जो है वो मिटता है, तो इंशाल्लाह मिट के रहे। खान साहब ने अभी तक गुफ्तगू नहीं की अंदर? नहीं जी, अभी उनको मौका देंगे तो खान साहब तो फिर बहुत कुछ बातें करेंगे ना। अब देखना है काजी साहब को, देखें सबसे बड़ी बात, काजी साहब को हमने बताया है, कोर्ट में बताया कि काजी साहब लाइव प्रोसीडिंग नहीं हो रही आपके, मुझे बताइए उनको क्या करना चाहिए था, फौरी ऑर्डर देते कि किसने रोका हुआ इसको, कौन स्टॉप कर रहे हैं, क्या पहले कई सब ये इस तरह प्रोसीडिंग जब चलती थी तो पूरी दुनिया नहीं देखती थी? तो आज डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है? खान साहब को दिखाएं, अगर खान साहब गलत हैं, खान साहब ने 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, आपने दहशतगर्द कह लिया, नहीं सुन लें आपने दहशतगर्द कह लिया, गद्दार कह लिया, करप्ट कह लिया, और आखिर सजा किस पे दी? निकाह पे। सर काजी साहब के सामने जो भी आता है वो पूछते हैं आप कौन है, तो खान साहब से तो उन्होंने पूछा आप कौन है? काजी साहब जो है ना, मैं फिर कहता हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के काजी हैं, हौसला करें, हिम्मत करें, काजी बने। इतना बड़ा तराजू यहाँ लटक रहा है, काजू बने और तराजू तोल दें। दिन बहुत थोड़े रह गए उनके, हिस्ट्री में फिर नाम नहीं रहता होता। बहुत बहुत शुक्रिया।